हेलो, मैं बनाने जा रही हूँ आज हरी मिर्च की सब्जी। हमने तेल डाल दिया है इसमें, तेल हमारा गरम होगा। इधर हमने ले लिया है हरी मिर्च, ये देखिए थोड़ी हमने काट ली है, और तो ये बड़ी वाली मिर्च है, उनको हमने काट लिया है। और भिंडी बनाएंगे सब्जी, साथ में हमने थोड़ा सा बेसन है 2 चम्मच, इनको हमने रोस्ट कर लिया है, और इसको भी डालेंगे हम। हरी मिर्च को काट लेंगे, एक एक करके मिर्च काटेंगे इसको। ये देखिए, इसी मिर्च को भूनते समय इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन, सब्जी का टेस्ट बड़ा अच्छा बनेगा। आप लहसुन डालो या ना डालो, मिर्च जरूर डालो। देखिए हमारी मिर्च कट गई है, छौंकेंगे। उसके साथ डाल देंगे हम इसमें दही और बेसन। देखिए हमारा ऑयल गरम हो रहा है, ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों दाना, और ये हमारी जो मिर्च है ये हम डाल देंगे, डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन, लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है। और डाल देंगे लहसुन, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, पकाते समय डाल देंगे थोड़ा नमक, हल्दी डाल दिया, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया, तीन चार पक जाएगा। हम पक रही है मिर्च की सब्जी बना रहे दही बेसन वाली, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे दही और बेसन। ले लेते हैं ये कटोरी बेसन, इसको हमने भून लिया है, और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच दही। आप जैसे मर्जी दही ले लीजिए, खट्टा ले लीजिए, मीठा ले लीजिए, ये है सभी। 2-3 चम्मच हम दही डालेंगे इसमें, ये देखिए डाल दिया हमने, इसको मिला लेंगे। डालेंगे हम मसाला और थोड़ा पानी, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम मसाले। तब तक हमारी मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, फेट लेंगे अच्छे से। डाल देंगे हम और मसाले, हल्की सी हल्दी, थोड़ा सा और नमक, कुछ देगी मिर्च डालेंगे हम इसमें, लाल मिर्च नहीं डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे। पहले ऐसे बना के देखिए, मिर्च की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए हमने सब सबको फेंट लिया है, हमारी दही फिट गई है, दही और बेसन, उसमें सारे मसाले डाले हैं। देखिए बेसन हो गया है, थोड़ा सा
साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और उसको भून लेंगे। और हमारी मिर्च जो है ना ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और इसको हम बिल्कुल डाल देंगे दही और बेसन। बेसन को रोस्ट कर लिया था इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, उससे ये अपने आप पक जाएगी। चलाते रहना है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी बनती है। बेसन को आप जरूर रोस्ट जरूर करना, थोड़ा सा भून लोगे तो बेसन कच्चापन भी जो है दूर हो जाता है। बेसन भून जाएगा तो फॉर्म में आ जाएगा, हमें इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। अगर ऐसे आप छोड़ दोगे तो ये गुलसी बन जाएगी। चलाते रहिए चलाते रहिए। बेसन की सब्जी बनके तैयार है। चाहे आप रोटी के साथ खाओ चाहे आप चावल के साथ खाओ, सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा पड़ता है, हमें तेल ज्यादा नहीं डालना था। हमारी बेसन सब्जी की सब्जी बनके तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसन की सब्जी बन गई है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। हमारी दही और बेसन की सब्जी बनके तैयार है, बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी।